तो दोस्तों, ये जो यूरोप की पूरे यूरोप की एक खास बात ये है कि जो यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंगों का, और वैसे भी अगर आप जो है ये यूरोप में आपको सभी जगह मिलेगा, और जो आप यहाँ देखोगे जो चर्च बने हैं इनके, या जो ये बिल्डिंगें बनी हैं, अगर आप देखो तो ये आपके पूरे 5-5, 6-6 सौ साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, आर्किटेक्चर है। तो ये पूरे दुनिया के लिए आकर्षक का केंद्र बने बनते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो इनकी जो आर्किटेक्चर है, प्लस इनको किस तरीके से बनाया गया है, और इनकी सुंदरता, इनकी भव्यता, वो देखने लायक होती है। तो आप मेरे कुछ वीडियो देखोगे जिसके अंदर मैंने यहाँ की जो चर्चें हैं, ओल्ड स्ट्रीट्स हैं, ओल्ड हाउसेस हैं, उसके बहुत सारे वीडियो हैं। उससे आपको जो है इन देशों की, यूरोपियन इन कंट्रियों की सभ्यताओं के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे अगर आपने सुना हो यूरोप के अंदर अपना इटली और रोम, वो क्यों फेमस है, इटली और रोम के अंदर है क्या? अगर आप इटली और रोम के अंदर जाओगे तो वहाँ पर जो उनके ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंगें हैं, चर्च हैं, उनके लिए ही उनको जाना जाता है। तो ऐसे ही जो है ये पूरे यूरोप के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि नॉर्वे भी, ये जो नॉर्वे है, स्वीडन है, जितने भी ईयू रीजन की कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज की सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं। ये बहुत पुरानी इनकी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस बहुत पुरानी है। तो इनकी इनका असर और इनके जो आपको देखने को मिलेंगे बिल्डिंगों के आर्किटेक्चर, वो बिल्कुल उसी स्टाइल में मिलेंगे। अगर आप नॉर्वे के, जो मैंने एक दो चर्च के बिल्डिंगों के और इनके जो मैंने वीडियो डाले हैं, मैं आज भी यहाँ पर एक दो चर्च का मैंने पहले भी डाला था बिल्डिंगों का, तो आप उनको देखोगे, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देखोगे कि ये लगभग सिमिलर टाइप के मिलेंगे आपको। आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे आप रोम इटली जाओ, चाहे आप जर्मनी जाओ, चाहे आप स्वीडन चले जाओ, स्पेन चले जाओ, आपको हर कंट्री में जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो सिमिलर मिलेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कंट्रियाँ हैं यूरोप में, ईयू रीजन के अंदर, और इनकी सभ्यताएं लगभग एक दूसरे को फॉलो करती होंगी। आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले कि जो लोग थे वो सब फॉलो करते थे। तो जो लोग मेरे ब्लॉग में हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको इस तरह की, और इंटरेस्टेड हैं आर्कियोलॉजिकल चीज़ें देखने में, सभ्यताओं को जानने में और लाइफ स्टाइल जानने में, तो आपको ऐसे ब्लॉग मिलेंगे बीच बीच में। तो आप इनका लुत्फ़ उठाएं, इनका एंजॉय करें, और जो लोग नए हैं ब्लॉग के अंदर, तो वो भी जो है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को मुझे बता सकते हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो सभ्यताओं के बारे में, जो सिविलाइजेशंस के बारे में, जो लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, उन सबको इन ब्लॉगों से कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और आप इन्जॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिर आपको एक और दूसरे ब्लॉग में, दूसरे दिन में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।